गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन RDS ग्रुप क्लास। इट्स योर मैथ्स पीरियड, सो ओपन योर मैथ्स बुक। ओपन इट, ओके। ओपन पेज नंबर 43। लास्ट वीडियो मैंने आपको पेज नंबर 39 टू 43 एक्सप्लेन किया था। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा और आप लोग ने कंप्लीट भी कर लिया है। कंप्लीट कर लिया ना, वेरी गुड। नाउ ओपन पेज नंबर 43। मेंशन टुडे डेट 18 अगस्त 2021। ऑड एंड इवन नंबर्स, ऑड एंड इवन नंबर्स। इवन नंबर्स होते हैं जिनके लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 वंस प्लेस पे लास्ट 2, 4, 6, 8 और 0 होता है, वो कौन से इवन नंबर्स होते हैं। जो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो नंबर इवेंस होते हैं, इवेंस नंबर होते हैं। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो नंबर्स ऑड होते हैं। जैसे आप 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में वन प्लेस पे 2, 4, 6, 8 एंड 0 आएगा, वो इवन नंबर्स होंगे। ओके, वो चाहे 32 या 42 या 92 या 12 हो, लास्ट में फर्स्ट प्लेस पे अगर 2, 4, 6, 8, 0 है तो वो नंबर्स इवन नंबर्स होते हैं। इज दैट क्लियर? एंड ऑड नंबर्स, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे लास्ट में वन प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 होते हैं लास्ट वन प्लेस पे, वो नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं। इज दैट क्लियर? इवन नंबर्स, ऑल नंबर्स हैविंग 2, 4, 6, 8 और 0 एट वंस प्लेस आर इवन नंबर्स। वंस प्लेस पे 2, 4, 6 और 0 होता है, वो नंबर इवन नंबर्स होते हैं। ओके, इवन नंबर्स में कंप्लीट पेयर, इवन नंबर्स होते हैं वो एक कंप्लीट पेयर होते हैं। जैसे 2, 4, 6, 1 का कोई पेयर नहीं होता, 3 का कोई पेयर नहीं होता है, 5 और नंबर्स का कोई पेयर नहीं होता है। जैसे कि सॉक्स इज शूज का पेयर होता है, बटरफ्लाई अपस, ठीक है। ऑड नंबर्स, ऑल नंबर्स हैविंग 1, 3, 5, 7 और 9 एट वंस प्लेस आर ऑड नंबर। वंस प्लेस पे 1, 3, 5, 7 एंड 9 होंगे तो वो ऑड नंबर्स होंगे। ऑड नंबर डू नॉट मेक कंप्लीट पेयर, ऑड नंबर के कंप्लीट पेयर नहीं बनते हैं। ये सर्कल द इवन नंबर्स, सर्कल द इवन नंबर्स, ये बॉक्स में इवन नंबर्स हैं उनमें हमें सर्कल करना है, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8 एंड 0 होगा तो वो नंबर्स इवन होंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट प्लेस पे 2, 4, 6, 8, 0 होगा तो उन पर हमें क्या करना है, सर्कल करना है। 4 इवन नंबर, 5 ऑड नंबर, 6 इवन नंबर एंड 30 ऑड नंबर, सर्कल इन 4 एंड 6। ओके, नेक्स्ट 50, 90, 22 एंड 21, सर्कल 22। नेक्स्ट 8, 10, 12, 17, सर्कल 8, 10 एंड 12। नेक्स्ट 3, 30, 44 एंड 11, सर्कल 30 एंड 44। नेक्स्ट आपको अपने आप करना है, सर्कल द ऑड नंबर्स, सर्कल द ऑड नंबर्स 12, 17, 13 एंड 14। ऑड नंबर्स के वंस प्लेस पे 1, 3, 5, 7 एंड 9, वन तो सर्कल इन 17 एंड 3। नेक्स्ट 9, 13, 18 एंड 12, सर्कल इन 9 एंड 13। नेक्स्ट 25, 30, 21 एंड 46, सर्कल इन 25 एंड 21। नेक्स्ट 68, 73, 81, 50, सर्कल इन 73 एंड 81। ओके, इज दैट क्लियर?
पेज नंबर 44 ऑर्डिनल नंबर्स। आप सभी को ऑर्डिनल नंबर्स लास्ट क्लास में पढ़ाया था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ, याद आ गया ना, सबको आते भी हैं, वेरी गुड। दो नंबर विच शो द पोजिशन ऑफ एन ऑर्डर ऑफ अ थिंग और सब ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर। जैसे आप क्लास में पोजिशन आती, किस पोजिशन में हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड बोलते हो ना। एग्जाम्पल, फोर चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट अ बस स्टैंड, फर्स्ट बॉय इज रोहित, सेकेंड गर्ल इज रिचा, थर्ड बॉय इज बॉबी एंड फोर्थ बॉय इज टोनी। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे बॉय है उसका नेम क्या है, रोहित। सेकेंड नंबर पे गर्ल है उसका नेम है रिचा एंड थर्ड नंबर पे बॉय है उसका नेम है बॉबी एंड फोर्थ नंबर पे टोनी। ओके, वी कैन एक्सप्लेन दिस इज अदर वर्ड्स। आप देखिए इन्हें वन एस टी फर्स्ट भी लिख सकते हैं, टू एंड सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, और इन्हें रोहित इज द फर्स्ट एफ आई आर एस टी फर्स्ट बॉय इन द ट्यूब, रिचा इज सेकेंड गर्ल इन द क्यूब, बॉबी इज द थर्ड बॉय इन द क्यूब, टोनी इज द फोर्थ बॉय इन द क्यूब। लाइन फर्स्ट नंबर पे रोहित, सेकेंड नंबर पे रिचा, थर्ड नंबर पे बॉबी एंड फोर्थ नंबर पे टोनी है। दैट क्लियर। फिल इन द बॉक्सेस, राहुल इज 152 सेंटीमीटर टॉल, विनय इज 130 सेंटीमीटर टॉल, मोहन इज 100 सेंटीमीटर टॉल एंड प्रियांशु इज 82 सेंटीमीटर टॉल। राइट द नेम ऑफ बॉयज इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। राहुल 52 सेंटीमीटर लंबा है, विनय 130 सेंटीमीटर, मोहन 100 सेंटीमीटर, प्रियांशु 82 सेंटीमीटर। अब हमें इन्हें अकॉर्डिंग टू हाइट उनके नेम एंड हाइट मेंशन करनी है। ओके, देखिए 152, 130, 110 एंड 82, इसमें से सबसे हाइट, सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, कितनी है, 152 लिखेंगे, 152 सेंटीमीटर। किसकी हाइट है 152 सेंटीमीटर, राहुल। नेम के नीचे राहुल लिखेंगे एंड हाइट के नीचे 152 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट 152 के बाद 130, ठीक है, राहुल के नीचे विनय लिखेंगे, विनय की है 130 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मोहन, विनय के नीचे आपको मोहन लिखना है, राइट मोहन एंड 100 सेंटीमीटर, अंडर मोहन प्रियांशु, हाइट 82 सेंटीमीटर। ओके, राहुल 152 सेंटीमीटर, विनय 130 सेंटीमीटर, मोहन 100 सेंटीमीटर, प्रियांशु 82 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट रवि रंस 675 मीटर्स, तानु रंस 871 मीटर्स, अंशु रंस 551 मीटर्स इन वन आवर, राइट देयर पोजिशन इन द बॉक्सेस। एक घंटे में रवि 675 मीटर, तानु 871 मीटर, अंशु 751 सेंटीमीटर दौड़ते। अब हमें इन्हें इनके पोजीशन लिखनी है बॉक्स में। ठीक है, तानु सबसे ज़्यादा वन आवर्स में सबसे ज़्यादा किसने दौड़ा, कितने मीटर, ये थे 675 मीटर, 871 मीटर एंड 751 मीटर। तो टानू इज फर्स्ट, टानू
इज फर्स्ट 871 मीटर्स। तो टामू के सामने वन एस टी लिखेंगे फर्स्ट। ओके, सेकेंड नंबर पे 751, सेकेंड नंबर पे 751 अंशु इज सेकेंड, टू एंड ए सेकेंड। ओके, अंशु के सामने आपको सेकेंड लिखना है। एंड थर्ड नंबर पे, थर्ड एंड लास्ट पोजिशन रवि इज थर्ड पोजिशन, 675। टानू इज फर्स्ट, रवि इज थर्ड एंड अंशु इज सेकेंड। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पेज नंबर 45, मेंशन टुडे डेट, फिल इन द पोजिशंस। कि द पोजिशन ऑफ ओ इन द काउ इज, यहाँ पे देखिए ब्लू कलर के वर्ड्स लिखे हुए हैं और उसमें रेड कलर के जो लेटर लिखा हुआ उसकी पोजिशन पूछे, तो हमें पोजिशन बतानी है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी पोजिशन है। काउ में ओ की पोजिशन पूछ रहे हैं, तो किस नंबर पे है ओ? सेकेंड। क्या लिखेंगे? टू एंड डी सेकेंड। ओके, द पोजिशन ऑफ एल इन स्कूल, स्कूल में एल किस पोजिशन में? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, राइट, सिक्स, टी एच सिक्स। ओके, नेक्स्ट द पोजिशन ऑफ ई इन मदर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, राइट, फाइव, टी एच फिफ्थ। नेक्स्ट द पोजिशन ऑफ टी इन काइट इज, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, राइट, थर्ड। नेक्स्ट द पोजिशन ऑफ वाई इज सैटरडे इज, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, राइट, एट। नेक्स्ट द पोजिशन ऑफ ए इन अक्टूबर इज, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, राइट, सिक्स। ओके, नेक्स्ट द पोजिशन ऑफ आर इन हेलीकॉप्टर इज, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट नाइन टेन, राइट, टेन। द पोजिशन ऑफ आई इन सैटेलाइट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, राइट, सेवेंथ। ओके, ओ इज सेकेंड पोजिशन, एल इज सिक्स पोजिशन, ई इज फिफ्थ पोजिशन, टी इज थर्ड पोजिशन, वाई इज एट पोजिशन, ई इज सिक्स पोजिशन, Y is, R is 10th position, I is 7th position. Is that clear? Then next, write the position is given set of the English alphabet. यहाँ पे English alphabet from A to J right है. इनकी हमें position बतानी है, ठीक है? The position of D is, D की position क्या है? 1, 2, 3, 4 means 4th, right? F, O, U, R, T, H. Fourth, F-O-U-R-T-H, fourth. Next, the position of A is first, F-I-R-S-T, first, F-I-R-S-T, first. Next, the position of C is third, T-H-I-R-D, third, T-H-I-R-D, third. The position of B is second, S-E-C-O-N-D, second, S-E-C-O-N-D, second. The position of H is एट, ठीक है? अभी आपको पोजीशन आपको देखनी है और आपको राइट करना है। क्वेश्चन है, द ऑर्डिनल नंबर्स ऑफ दीज बर्ड्स, यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर्स लिखना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ एंड टेंथ। ओके, नाउ पेज नंबर ओपन 46, मेंशन टुडे डेट, स्क्रिप काउंटिंग। देखिए यहाँ पे लिखा 206, 212, 218 एंड 224 एंड 230। कितने नंबर्स जंप कर रहे हैं? सिक्स नंबर। 206 में हम सिक्स ऐड करेंगे, 212, 212 प्लस सिक्स 218, 218 प्लस 224, 224 प्लस सिक्स 230। ओके, ए काउंटिंग बाय सिक्स राइट राइट द नंबर। यहाँ पे स्किप काउंटिंग है, काउंटिंग बाय सिक्स, इनमें सिक्स आपको ऐड करके राइट करना है। जैसे
636, 682, 683, 636, 644, 655, and 660. Next, 126 means 6 add carrying 132 plus 6, 138 plus 6, 144 plus 6, 150 plus 6, 156 plus 6, 162 plus 6, 168 plus 6, 174 plus 6, 180. ठीक है, इसमें प्लस 6 करना है. एंड बी, काउंटिंग बाई 8 कंप्लीट द सीक्वेंस. इसमें अभी आपने 6 ऐड किया था, इसमें हमें 8 ऐड करना है. 8 प्लस 6 816 प्लस 6 8 + 8 + 8 + 16 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 +  8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 + ए 8 +
कर दीजिएगा पेंसिल से जैसे मैंने कट किया है और लिख लीजिएगा 8 and 60 को कट करके 8 and 80 आपको राइट करना है. राइट क्लियर? ओके. उसके बाद नेक्स्ट 3 and 8 में आपको 8 ऐड करना है. ये सीरीज आपको कंप्लीट करनी. नेक्स्ट काउंटिंग बाय 9 राइट द नंबर्स इन द बॉक्सेस. अभी आपने एस पहले 6 ऐड किया था, यहाँ पे आपने 8 ऐड किया है, यहाँ पे आपको 9 ऐड करना है. ठीक है. उसके बाद डी में आपको 10 ऐड करके कंप्लीट करना है. एंड ई नंबर पे काउंटिंग बाय 15 राइट द नंबर्स, यहाँ पे आपको 15 ऐड करके राइट करना है. ओके, इज दैट क्लियर? आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा. ठीक है. नाउ ओपन पेज नंबर 48. मेंशन टुडे डेट. ओके, लिखा हुआ नंबर वन राइट द नंबर्स हैं 196, 600, 112, 673, 777. यहाँ पे आपको नंबर सेम राइट करने. राइट द नंबर्स, यहाँ पे आपको नंबर्स राइट करने 886. ओके. नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, 2 and 1 इन द 124. 124 में आपको 4 to 1 की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है. ठीक है. नेक्स्ट फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू 4 and 2 इन 240 में आपको 4 and 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है. नेक्स्ट इन द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 ग्रेटर इज 214 देन इन 241 से यस और नो. ओके, यहाँ पे आपको यस या नो राइट करना है. फोर्थ नंबर पर राइटिंग फॉर 2 and 4 फॉल्स स्टेटमेंट. ये आपको ट्रू फॉल्स है. फाइंड द स्किप पैटर्न इन द दीज नंबर सीक्वेंस आर. आप इसमें देखिए 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71. इसमें क्या नंबर ऐड किया गया है? स्किप बाय. ठीक है. 24, 28, 32, 36 इसमें क्या ऐड किया है? कैसे फर्स्ट नंबर पे 11, 21 इस 10 ऐड किया गया है. द नंबर्स आर स्किप बाय 10. सेकेंड नंबर पे 24, 28 plus 4 द नंबर्स आर स्किप बाय 4. 69, 71, 93, 75 स्किप बाय. अब आपको देखना है, मैं बता दूंगी तो फिर आप कैसे करोगे? ठीक है. नंबर से सर्कल ऑल द इवन नंबर बिटवीन 11 to 35 इन द गिवन सीरीज. ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इसमें 11 to 35 नंबर से इवन नंबर्स पे आपको सर्कल करना है. ओके. आपको अब पेज नंबर 43, 44, 45, 46 and 48. ओके, ये आपको कंप्लीट करना है. इसके साथ ही आपकी चैप्टर सेकेंड बुक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नोटबुक में वर्क कराऊंगी, तो आप लोग ये वाला वर्क
सभी कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, अगर एनी प्रॉब्लम तो आप मुझसे, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।